हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आलू का हलवा बनाने वाले हैं, जो कि आप किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं या फिर ऐसे भी बना के खा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं, आधा कप हमने चीनी ली है, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 कप हमने दूध लिया है, कुछ हमने केसर लिया है, आधा कप हमने घी लिया है, 4-5 हमने बादाम को काट लिया है, 4-5 हमने पिस्ता काट लिया है। आलू को हमने अच्छे से तोड़ लिया है। सबसे पहले हम एक पैन में 1 गिलास दूध डाल लेंगे। उस दूध में हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे, इसमें जो येलो टच आएगा वो हलवा में बहुत अच्छा लगेगा। अब दूध को हम दूसरी गैस पर रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, हम कढ़ाई में घी डाल लेंगे। आधा कप घी लिया है हमने। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं। किसी भी हलवा में हमें अच्छा घी डालना ही पड़ता है, खूब ज़्यादा घी में बनाते हैं तभी अच्छा बनता है। हम अच्छे से भून लेंगे। आपको आलू के हलवे बनाने के लिए या तो नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है या फिर लोहे की कढ़ाई लेनी है। एल्युमिनियम की कढ़ाई आपको नहीं लेनी है, नहीं तो एल्युमिनियम की कढ़ाई में चिपक जाता है। नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कढ़ाई लोहे की ले सकते हैं। आलू को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से भूनना है, नहीं तो फिर उसमें आलू की आती रहेगी। आलू हमारा अच्छे से भून चुका है। 5-6 मिनट तक हमें आलू को अच्छे से भून लेना है। जब ये घी छोड़ने लगेगा आलू, तभी हमें फिर इसमें दूध डाल देना है। अब हमने जो दूध बनाया था केसर डाल के, वो हम दूध डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे हम हलवे को। ऑलमोस्ट हमारा हलवा बन ही चुका है बस। अब हम थोड़े बादाम डाल लेंगे कटे हुए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आया है केसर की वजह से, येलो कलर। बहुत ही टेस्टी बना है। आप आलू हलवा बना के ज़रूर ट्राई करें। आप किसी भी व्रत में के नॉर्मल भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना है। 3-4 इलायची के बीज लिए हैं हमने, उसको हमने कूट लिया है खल्लड़ में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। आलू हलवा हमने प्लेट में सर्व कर लिया है, कुछ हम बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। कुछ हमने पिस्ता भी कट किया है। बहुत ही टेस्टी आलू हलवा रेडी है हमारा। आप भी ऐसे आलू हलवा बना के एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।